दोस्तों मैं हूँ हितेश और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल MH Knowledge। स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो मैं आज बात करूंगा टाटा कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों टाटा कंपनी की स्थापना 1868 जमशेदजी टाटा ने मुंबई में की थी। ये एक प्राइवेट कंपनी है। इस कंपनी का क्षेत्र वर्ल्ड वाइड में फैला हुआ है। तो दोस्तों इस कंपनी के प्रमुख नटराज चंद्रशेखरन चेयरमैन है। ये कंपनी उत्पाद में स्टील, ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर और भी कई चीज वस्तु का उत्पादन करती है। तो दोस्तों और इसकी कुल संपत्ति के बारे में बात करें तो US डॉलर मुताबिक 52.8 बिलियन है। दोस्तों इसे इंडिया के पैसे में कन्वर्ट किया जाए तो 6000 करोड़ रुपये है। टाटा कंपनी की सहायक कंपनियाँ के बारे में बात करें तो टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी कंपनी है। दोस्तों इस कंपनी में कुल 3,96,570 कर्मचारी काम करते हैं। इंडिया में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है। तो दोस्तों वर्ष 2019 टाटा की ब्रांड वैल्यू 37% बढ़ोतरी के साथ करीब 387 अरब रुपये पर पहुंच गई। दोस्तों लंदन के सलाहकार ब्रांड फाइनेंस की ओर से तैयार लिस्ट में अलग अलग सेक्टर में टाटा ग्रुप 86वें स्थान पर है। दोस्तों बात 2018 की करें तो तब इस लिस्ट में टाटा वैल्यूएबल ब्रांड्स की लिस्ट में 104वें स्थान पर था। टाटा समूह की सफलता को इसके आंकड़े बखूबी बयां करते हैं। 2005-06 में इसकी कुल आयात 9,67,229 मिलियन थी। ये समस्त भारत की GDP के 2.8% के बराबर है। टाटा समूह की कुल 96 कंपनियां 7 अलग अलग व्यावसायिक क्षेत्रों में सक्रिय है। इनमें 96 में से केवल 28 पब्लिक लिस्टेड कंपनियां है। टाटा समूह की 6 महाद्वीपों के 40 से भी अधिक देशों में सक्रिय है। और दोस्तों टाटा समूह दुनिया में 140 से भी अधिक देशों को उत्पाद व सेवाएं निर्यात करता है। तो दोस्तों जनवरी 2007 का महीना टाटा समूह के इतिहास में सुनहरा अक्षरों में दर्ज किया गया। टाटा स्टील ने यूनाइटेड किंगडम में स्ट्रीट कोरस समूह को सफल बोली लगाकर उसे हासिल किया। कोरस समूह दुनिया की सबसे बड़ी लोहा व इस्पात निर्माण कंपनी है। तो दोस्तों बोली के अप्रत्याशित 9 दौरे चले जिसके अंत में टाटा समूह ने कोरस का 100% हिस्सा 608 पाउंड प्रति शेयर के हिसाब से कुल $12.4 बिलियन में खरीदने में सफलता पाई। यह किसी भी भारतीय कंपनी के द्वारा किया गया सबसे बड़ा अधिग्रहण है। तो दोस्तों अनेक सरकारी संस्था व कंपनियां की शुरुआत टाटा द्वारा ही की गई है। जैसे भारतीय विज्ञान संस्था, टाटा मूलभूत अनुसंधान केंद्र, टाटा समाज विज्ञान संस्था और टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्था, यहाँ तक कि भारतीय आधिकारिक विमान सेवा एयर इंडिया का भी जन्म टाटा एयरलाइंस से शुरू हुआ है। उसके अलावा टाटा मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर पुणे और नेशनल सेंटर फॉर हार परफॉर्मिंग आर्टिस्ट भी ऐसी संस्था है जिनकी शेयर टाटा समूह को जाता है। तो टाटा का नाम चाय में टाटा चाय और घड़ियों में टाइटन से जुड़ा है। टाटा समूह का उद्देश्य समझदारी, जिम्मेदारी, एकता और बेहतरीन काम से समाज में जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना है। तो गाइस ये थी टाटा कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।